एज ए ट्रिब्यूट आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारा प्यारा लता मंगेशकर जी का ड्राइंग किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह का एक A4 शीट लेंगे, उसके बाद एक स्केल और एक पेंसिल हम यहाँ पर लेंगे। अगर आप नहीं ले रहे हो अभी जल्दी से ले लो, उसके बाद हम एक साथ ड्राइंग करेंगे। तो सब कुछ ले लिया, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड किस तरह से बनाएंगे तो अच्छे से देखो, उसके बाद सीख लो। ग्रिड बनाने से क्या होता है, ड्राइंग बहुत ही परफेक्ट होता है। तो एक स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर गैप पर हम इस तरह से मार्क करेंगे, 2, 4, 6, 8 इस तरह से हम मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे भी हम 2 सेंटीमीटर गैप पर मार्क करेंगे, बिल्कुल इस तरह। जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम इस दोनों मार्क को एक लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे। ये हो गया। जब ये भी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर गैप पर मार्क करेंगे और नीचे की तरफ भी 2 सेंटीमीटर पर मार्क करके दोनों को हम एक लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे, जिस तरह से हमने पहले किया था। ये हमारा लाइन बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ नंबर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, और साइड की तरफ हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे। इस तरह से करने से क्या होता है, जो बीच वाला बॉक्स होता है उसको काउंट करने के लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। ये हमारा ग्रिड बनकर रेडी हो चुका है, आप भी इसी तरह से एक ग्रिड पहले बना लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमने ग्रिड बनाया था उनमें से एक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, उसी बॉक्स से हम पूरा ड्राइंग बनाएंगे। तो जो ये वाला बॉक्स है ऊपर की तरफ से 4 और नीचे की तरफ से जो ये वाला बॉक्स है E4E, जो ये वाला बॉक्स है इसी बॉक्स से हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। आप भी बस यहाँ पर अच्छे से देखो किस तरह से मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जो बॉक्स पर जिस तरह से मैं बनाऊँ बस मुझको फॉलो करो। दूसरा उल्टा पुल्टा बॉक्स पर आप बिल्कुल मत बनाना। जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक ग्रिड बनाया है उसी तरह से आप पहले ग्रिड बनाओ, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से मैं बनाऊँ, आप अच्छे से देखो, ऑब्ज़र्व करो और जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, अच्छे से करो। जितना हो सके उतना टाइम लो, तभी आपका ड्राइंग बेहतर होगा। कई इतना बिगिनर आर्टिस्ट मैंने देखा है कि वो सिर्फ 1 घंटे पर ही पूरा ड्राइंग कंप्लीट कर देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मतलब टाइम देना पड़ेगा, ड्राइंग है भाई तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जितना आप टाइम दोगे उतना आपका ड्राइंग बेहतर होगा। और आपका जो पेंसिल होता है वो आप हमेशा शार्प रखना, तभी जो हमारा लाइन है वो नीट एंड क्लीन होता है। तो बस वीडियो को आप अच्छे से देखो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और मतलब इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना भी पसंद करते हैं तो जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, थोड़ा सपोर्ट भी कर देना। तो बस अच्छे से वीडियो को देखो, और हाँ अगर आप ये ड्राइंग अगर करते हो मुझको इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड करना। तो बस वीडियो को अच्छे से देखो, सीखो किस तरह से मैं यहाँ पर बनाता हूँ, और ज़रूर इसको आप ड्रॉ करके मुझको इंस्टाग्राम पर शेयर ज़रूर करना। तो बस वीडियो को अच्छे से देखो और सीखो किस तरह से बनाते हैं।
और इस तरह से हम हमारा प्यारा लता मंगेशकर जी का ड्राइंग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसी तरह का ड्राइंग वीडियो देखना पसंद करते हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं हमेशा इसी तरह का ड्राइंग वीडियो अपलोड करता हूँ, तो अगर आप देखना पसंद करते हो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।